हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल माय यात्रा। दिस इज पायल कश्यप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आपका बच्चा छोटा है होता है, एक साल दो साल तक का होता है, तो वो ज़्यादातर दूध पर डिपेंड रहता है। अच्छी बात है, उस समय तक दूध पीना बच्चे के लिए सही भी है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे दूध पीते हैं। बट क्या बढ़ती उम्र के साथ बच्चे का दूध पर ज़्यादा निर्भर होना सही है? खाना बच्चा बिल्कुल भी नहीं खा रहा है, सिर्फ दूध पी रहा है, तो क्या ये बच्चे के लिए सुरक्षित है, उसके हेल्थ के लिए, उसके शारीरिक विकास के लिए? इसके अलावा विशेषज्ञों का क्या मानना है और हम इस प्रॉब्लम से कैसे अपने बच्चे को बचा सकते हैं, यानी कि दूध पर डिपेंडेंसी टाइम के साथ कम कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है कि बच्चों को प्रॉपर मिनरल्स चाहिए होता है, जो कि दूध से ही सारी चीज़ें नहीं मिल सकती। एक साल तक आप उनको धीरे धीरे ब्रेस्ट फीड से थोड़ा थोड़ा आप बाहर का ऊपर का दूध पिलाना शुरू करते हो, तो ये प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। बट एक साल तक तो बच्चों को दूध पर ही ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ता है। आप थोड़ा थोड़ा ही लिक्विड फॉर्म में चीज़ें देते हो और सॉलिड फॉर्म में एक साल के बाद ही बच्चा ज़्यादातर चीज़ें खाने लगता है। बट अगर दो साल हो गया है, तीन साल हो गया है, बच्चा सिर्फ दूध ही पी रहा है, तो ये प्रॉब्लम वाली बात होती है, क्योंकि दूध में वो सारे मिनरल्स, वो सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स नहीं मिलते हैं जो कि आपको अनाज से मिलेगा। तो इसलिए जब बच्चा एक साल का हो जाता है, तो उसके बाद हमें धीरे धीरे सारे फूड, हरी सब्जियां, मोटे अनाज यानी कि दाल है, चावल है, गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, ये सारी चीजें बच्चों के खाने में शामिल करते जाना चाहिए। धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाते जाना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों में खाने की ये जो हैबिट होगी, ये शुरू से ही अगर आप डालोगे ना, तो ये आपके बच्चे के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा सेफ होगा और आपके बच्चे कई सारी प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। और विशेषज्ञों का भी मानना यही है कि अगर एक साल के बाद बच्चा सिर्फ दूध पर ही ज़्यादा डिपेंड रहता है, तो वो उसके हेल्थ के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सिर्फ दूध पर डिपेंड रहने वाले बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। क्योंकि बच्चों को अक्सर की पेट से जुड़ी हुई समस्याएं हमेशा बनी रहेगी, कब्ज की प्रॉब्लम बनी रहेगी। जो बच्चे ज़्यादा दूध पियेंगे, उनमें गैस की प्रॉब्लम, पेट में मरोड़ की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी। नेक्स्ट ये होता है कि बच्चे, ज़्यादातर ऐसे बच्चे क्या होते हैं कि उनको चबाने की आदत नहीं होती है, तो इसलिए वो थोड़े से लेजी भी होते हैं खाने के मामले में। वो सोचते हैं कि दूध पी लिया, मेरा तो पेट भर गया, मेरा तो काम हो गया। बट वो ज़्यादातर फोर्स यही करते हैं कि उन्हें दूध ही मिल जाए और वो अपना काम आसान करके वहाँ से चलते बने। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि अगर बच्चे को चबाने की आदत ही नहीं है, आप उसको शुरू से खाने की आदत नहीं डालते हो, तो बच्चे को सिर्फ दूध ही, ये होता है कि दूध ही पी लें, हमारा काम हो जाए। नेक्स्ट ये होता है कि जब बच्चे ज़्यादातर दूध ही पीते हैं, तो उनकी जो पॉटी होती है वो काफ़ी दिनों पर होती है। तीन तीन चार चार दिनों पर बच्चे पॉटी करते हैं और काफ़ी ज़्यादा कड़ी पॉटी होती है। इसके अलावा ऐसे बच्चे क्या होते हैं कि ज़्यादातर बोतल से दूध पीना पसंद करते हैं, जो प्लास्टिक की बोतल्स होती हैं उनसे दूध पीते हैं, जिससे कि उनको इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा रहता है। शुरुआती दौर में तो चलिए एक साल तक ठीक है, मगर समय के साथ जो बोतल से बच्चे दूध ज़्यादा पीते हैं, हमेशा उनको इस तरीके के इन्फेक्शन वगैरह बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं, पेट में ऐठन, मरोड़, इस तरीके की दिक्कत हमेशा उनको बनी रहती है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों की आदत क्या होती है कि पेरेंट्स उनको दूध में चीनी डाल करके देते हैं। मैं भी देती हूँ, क्योंकि शुरू से ही बच्चे को मेरी आदत पड़ गई है, अब उसे छुटाना मुश्किल हो जाता है। तो ये मैं न्यूली पेरेंट्स के लिए बोल रही हूँ कि अगर वो दूध बच्चे को देना शुरू करते हैं, तो उनमें चीनी ऐड बिल्कुल भी ना करें, उनको ऐसे ही दूध पिलाने की आदत डालें, तो धीरे धीरे बच्चे को उसी तरीके के दूध पीने की आदत हो जाएगी। क्योंकि जो बच्चे दूध में चीनी डाल करके पीते हैं, अक्सर के उनके पेट में कीड़े होने की प्रॉब्लम हो जाती है, उन्हें चूर्णे काटते हैं, आप अक्सर के देखोगे पॉटी वाली जगह पे उन्हें कीड़े काटने की समस्या होती है। तो आपको डॉक्टर की सलाह से ऐसे ही बच्चे का दो साल पूरा हो जाता, कीड़े की दवा जरूर बच्चे को खिलाना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब बच्चे के पेट में ज़्यादा कीड़े हो जाते हैं, तो इस कारण भी बच्चे को भूख नहीं लगती है और बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा दूध पीने की कोशिश करता है या इधर उधर की चीज़ें खाने की कोशिश करता है। इसके अलावा एक और भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि क्या होता है कि कभी कभी बच्चे कुछ और खाना तो नहीं खाते, मगर उनके यहाँ नॉनवेज वगैरह बन रहा है, तो अक्सर की पेरेंट्स के जो घर में
कोई भी हैं वो बच्चों को खिला ही देते हैं। तो जो बच्चे दूध के साथ नॉनवेज यानी कि फिश वगैरह खाते हैं, चिकन मटन खाते हैं, तो उन्हें सफ़ेद दाद, स्किन में एलर्जी, रैशेस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। जिन लोगों को आप देखे होंगे कि सफ़ेद दाद वगैरह की बच्चों की स्किन पे सफ़ेद दाद वगैरह सफ़ेद सफ़ेद सा कुछ दिखता है, वो इसी गलतियों के कारण होता है। तो इसलिए दूध के साथ कभी भी आप बच्चे को फिश या फिर मांस मछली बिल्कुल भी अवॉइड करें। कम से कम 6 घंटे 7 घंटे का गैप जरूर होना चाहिए। इसके अलावा जो बच्चे सिर्फ दूध पर डिपेंड रहते हैं उन बच्चों के बाल भी बिल्कुल घने नहीं होते हैं, ना ही ग्रोथ होती है। और अब हम बात करेंगे कि दूध आपको बच्चे को कब किस उम्र में कितना कितना देना चाहिए। देखिए 1 साल तक के बच्चों को आपको तो दूध लगातार ही देते रहना चाहिए, बट 1 साल के बाद जैसे ही होता है तो आपको दूध की जो पिलाने का जो टाइम होगा वो टाइम तो ऐसे ही रहेगा जितना बच्चा आपका 15 मिनट पीता है वो 20 मिनट 30 मिनट हो जाएगा, मगर उसको जो आप कई बार दूध पिलाते हो वो आपको कम करना होगा। दिन भर में आपको 1 साल के बाद कम से कम 3 या 4 फीट देनी है। जैसे ही बच्चा 2 साल का हो जाएगा तो उसके बाद आपको सिर्फ 2 या 3 बार करनी है। जैसे ही बच्चा 2.5 साल का हो जाएगा आपको सिर्फ 2 बार करनी है। इस तरीके से आपको जो बच्चे को दूध देने का प्रोसेस है धीरे धीरे कम करते जाना होगा और उसकी जगह आपको खाने को देना होगा। यानी जो भी आप खाना बना रहे हो बच्चे का मन पसंद का होना चाहिए। कोशिश यही कीजिए कि जो बच्चे को पसंद हो वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को खिलाएं। 1 साल के बाद से ही ये प्रोसेस आपको शुरू कर देना है। अगर आप सोचेंगे कि बच्चा 3 साल का हो गया 2 साल के बाद से हम ये प्रोसेस शुरू करें तो बच्चे की आदत बिगड़ जाती है उस समय तक और बच्चे को फिर ये सारी चीज़ें हैबिट में नहीं आती हैं और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चे में ये सारी चीज़ों को ऐड करने में, यानी कि बच्चे को तरीके तरीके का खाना खिलाने में। इसके अलावा शुरुआती दौर में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होगी क्योंकि बच्चे के लिए अचानक से दूध से खाने पर आने का प्रोसेस होता है तो वो बहुत ज़्यादा ज़िद करेगा, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी कर सकता है, अपनी ज़िद मनवाने के लिए बहुत सारे तरीके अपना सकता है। बट आपको थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रिक्ट रखना होगा, बच्चे की ज़िद को पूरा नहीं करना है। थोड़ा सा भूखा रहने दी, मगर जब वो एक्सट्रीम लेवल का भूखा होगा तो जो आप उसे खिलाना चाहती हैं वो बच्चा खुशी खुशी खाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये एक थोड़ा सा मेंटली आपको अपने आप को स्ट्रांग रखना होगा, ये सारे पेरेंट्स को करना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि एज अ पेरेंट्स कभी कभी हम इमोशनल हो जाते हैं, वीक पड़ जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पेरेंट्स का ये भी होता है कि हमारा बच्चा कम खाता है मगर दूध ज़्यादा पीता है। तो देखिए ठीक है, मगर बच्चे को कम दूध दें कम खाए वो ठीक है, मगर दूध की क्वांटिटी मत बढ़ाइए। दूध आप जितना नॉर्मल जो शेड्यूल है आपका देने का आप उतना ही दूध दो, मगर जो खाने का अगर सिस्टम कम है बच्चे का, खाना भूख कम है उसकी, खाना कम खा रहा है तो वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। मगर आप ये मत करो कि हाँ बच्चे ने खाना कम खाया तो हम उसकी जगह पे दूध को बढ़ा दें, ऐसा आपको नहीं करना है। सो दोस्तों ये तो थी छोटी सी टिप्स जिसमें कि आप अपने बच्चे को दूध से कैसे पीछा छुटा सकते हो और खाने की कैसे प्रॉपर आदत डाल सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की है इसलिए आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर लीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाते रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हम और भी इसी तरीके की वीडियोज़ लाते रहें। और शेयर कीजिए, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।